हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी प्रैक्टिकल की हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने जिम्नोस्पर्म हमारा शुरू हो चुकी थी जिसमें हम साइकस कर चुके हैं ख़त्म। और साइकस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव के बाद इसकी जो लीफ लीफलेट रचिस रूट और कॉर्लॉइड रूट इनके स्ट्रक्चर्स हमने बताए थे आपको, एनाटॉमी बताई थी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मेल कोन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मेगास्पोरोफिल को हमने डिस्कस किया था और आज हम ले रहे हैं पाइनस। तो पाइनस की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो कॉनिफेरोफाइटा, इसका जो डिवीजन है कॉनिफेरोफाइटा, देन क्लास है कॉनिफेरोसिडा, ऑर्डर कॉनिफेरस, फैमिली पाइनेसी और जीनस पाइनस। पाइनस जो हमें मालूम है ज्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन में या सब एल्पाइन रीजन में जो पाए जाते हैं वहां ये पाइनस बहुत ज्यादा पाया जाता है। वैसे लगभग 105 स्पीसीज हैं जो थ्रू आउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। टोटल 105 स्पीसीज हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि हम पाइनस का स्ट्रक्चर देखें, मेन स्पीसीज को हम डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी इसकी स्पीसीज जो है वो हम इनकी जो लीव्स की संख्या है, लीव्स पर इस पर संख्या है उसके आधार पर हम इनको जो है वो स्पीसीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यदि मेन प्लांट देखें तो स्पोरोफाइट प्लांट है और स्पोरोफिटिक बॉडी जो है स्पोरोफाइट रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड बॉडी है। ठीक है, यानी मेन प्लांट कैसा है, कोनस कोन शेप का होता है क्योंकि हमने इसको कह दिया है कॉनिफेरस में पाया जाता है। तो जिसकी ब्रांचिंग है स्पेशली वो इस तरीके की होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग, कि ये धीरे धीरे स्पाइरली जो है वो ब्रांचेज जो है वो अरेंज रहती हैं इन द एक्सल ऑफ स्केली लीव्स। तो इससे क्या होता है, इनकी जो अपेरेंस है वो कोनिकल हमें दिखाई देती है। और पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कोन शेप जो प्लांट हैं वो पाइनस के होते हैं, उनमें बड़े बड़े आपको फीमेल कोन दिखाई देंगे लटके हुए जो कि डेकोरेटिव पीसेस बनाने के काम में आते हैं, तो डेकोरेशन के काम में, तो ये पाइनस होते हैं। यदि हमने कहा कि स्पोरोफाइट बॉडी है रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है, सबसे पहले यदि हम रूट लेते हैं इसकी तो रूट जो है वो सिंपल टैप रूट है। टैप रूट जो गहराई में नीचे जमीन के अंदर काफी गहरी जाती है, टिपिकल टैप रूट है। और जो इसकी लेटरल रूट्स हैं, लेटरल मतलब जो इसकी साइड वाली रूट्स हैं वो एक्सटेंसिवली ग्रो करती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। टैप रूट का मतलब ही क्या हो गया कि ये जमीन में ज्यादा गहरी जाती है। रूट हेयर्स इन पर कम पाए, रूट हेयर्स आर पुअरली डेवलप्ड। और रूट में एक और इंपॉर्टेंट बात होती है पाइनस की, रूट्स जो हैं वो एप्टोफिटिक माइकोराइजा इसके ऊपर, एप्टोफिटिक फंगस जो है वो माइकोराइजा जो है वो इसके ऊपर इसमें इससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। तो माइकोराइजा क्योंकि कैसा है, एप्टोफिटिक यानी एंडोफिटिक नहीं है, इसकी रूट्स के ऊपर पाया जाता है। और इसमें जो है माइक्रोराइजा के अंदर जो कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, जीनस जो है एमेंटिया, बोलेटस, इसके बाद क्लेवेरिया, इन ये जो माइक्रोराइजा है इसकी रूट्स पर पाए जाते हैं। और माइक्रोराइजा का काम आपको पता है क्या है, माइक्रोराइजा के अंदर ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं फंगस के लिए, जो इसकी जो फंगस है एक तरीके से वो इसके लिए यहाँ तो प्रोटेक्ट, इसको कहना चाहिए कि एक एरिया मिल जाता है रहने के लिए, इसको स्थान मिल जाता है। और इसके लिए क्या करती है, रूट्स के लिए ये, क्योंकि इसमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, तो ये मिनरल्स को
और एब्जॉर्ब करती है प्लांट के लिए। ठीक है, तो रूट का ये हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें स्टेम। स्टेम जो है वो इरेक्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ गुडी होता है, यानी कैसा है कि कास्टी कास्टी हमें दिखाई देता है। दूसरा ब्रांच होता है, ब्रांचेस जो है इसकी वो दो तरह की होती हैं, लिमिटेड ग्रोथ की और अनलिमिटेड ग्रोथ की। ब्रांचेस और आर ऑफ टू टाइप्स, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो लिमिटेड ग्रोथ की होगी तो क्या होगा, ये शॉर्ट ब्रांच होगी, यानी ड्वार्फ ब्रांच होगी, ड्वार्फ ब्रांच। और एक ब्रांच होगी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांच है वो कैसी होगी, लॉन्ग शूट होगी। तो दो तरह की ब्रांचेस हो गई यहाँ पे, ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट। ड्वार्फ शूट कौन सी होगी, जो कि लिमिटेड ग्रोथ की होगी, और जो अनलिमिटेड ग्रोथ की है वो कैसे बढ़ती जाएगी, इसलिए वो लॉन्ग शूट कहलाएगी। ब्रांचेस कैसी होती हैं, इसमें जो मोनोपोडियल इनकी ग्रोथ होती है, मोनोपोडियली डेवलप होती हैं, जिसके कारण स्केली लीफ के एक्सल में से निकलती हैं, जिसके कारण जो इसकी अपीयरेंस है वो हमें ऐसी दिखाई देती है, ओ शेप दिखाई देती है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस यूं निकलती जाती हैं और ऊपर की तरफ हमें छोटी ब्रांचेस दिखाई देंगी। इसका मतलब कोन शेप जो इसकी अपीयरेंस है वो हमें दिखाई देती है इसकी ब्रांचिंग के कारण। ज्यादातर स्पीसीज में कोन शेप्ड कोनिकल ब्रांच भी इसकी पाई है, कोनिकल शेप की दिखाई देती है, लेकिन पाइनस की जो कहना चाहिए एक स्पीसीज ऐसी है टोरियाना, पाइनस टोरियाना, ये जो स्पीसीज है उसमें ब्रांचिंग डिफ्यूज टाइप की होती है, तो हमें वो डिफ्यूज या स्केटर बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है प्लांट। ठीक है, इसमें कोन शेप स्ट्रक्चर इसका नहीं बनता है। ब्रांचेस देखें तो हमने कहा डाइमॉर्फिक टाइप की होती हैं, ब्रांचेस डाइमॉर्फिक टाइप की होती हैं। कौन सी ब्रांचेस हो गई, ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ की और एक लिमिटेड ग्रोथ की। जो लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं हैं उन्हें ब्रैकी ब्लास्ट भी कहते हैं, इनको हम ड्वार्फ शूट को ब्रैकी ब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचेस की बात आ गई, यानी रूट और स्टेम हमने कवर कर लिया है। अब आता है नेक्स्ट लीव्स। तो लीव्स कैसी होती हैं, इसकी जो लीव्स हैं वो ज्यादातर लीव्स जो दो तरह की लीव्स होती हैं, ये भी लीव्स भी डायमॉर्फिक होती हैं। इनमें एक होती है स्केली और एक होती है फोलियोस। स्केली और फोलियोस लीफ यानी दो प्रकार की लीफ हैं। स्केली लीफ आप समझ रहे हो स्केल लाइक हैं, स्मॉल हैं, सिंपल हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती। तो स्केली लीफ कैसी हैं, ब्राउन कलर, स्मॉल हैं, स्केली हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं करती, यानी खाना बनाने का काम नहीं करते। लेकिन जो फोलियोस लीफ हैं वो कैसी हैं, ग्रीन हैं, ब्राउन कलर की नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, निडल शेप्ड है। अभी हम जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये निडल शेप्ड होती हैं और मतलब पतली होती हैं एकदम, निडल मतलब सुई के जैसी होती हैं। और ये जो है इनकी संख्या हर स्पीसीज में ज्यादातर स्पीसीज में अलग अलग होती है। एक ये इनका हम डायग्राम बनाएंगे, ये लीफ जो है वो इसमें से निकलती हैं, एक ये एक्सल है और इसमें से लीफ इस प्रकार से निकलती है। यदि एक है यहाँ पर लीफ यानी एक निडल निकली हुई है तो हम उसे कहेंगे मोनोफोलियर स्पीसीज, यदि दो हैं तो बाईफोलियर, तीन हैं तो ट्राईफोलियर और कुछ में ये पेंटाफोलियर तक ये पाई जाती है। तो जो
लीफ है वो कैसी है, निडल शेप्ड है, और इसको कहते हैं एक हो तो मोनोफोलियर, और जो इस जिसमें से ये निकलती है इसको कहते हैं स्पर। निडल, ये निडल है, सुई की जैसी होती है, और एक है तो मोनोफोलियर है, यदि ज्यादा है दो है तो बाईफोलियर, तीन है तो ट्राईफोलियर, और पांच है तो पेंटाफोलियर। इनके इस स्पर निडल पर स्पर यानी निडल्स की संख्या पर स्पर में कितनी है उसके अकॉर्डिंग इनकी स्पीसीज को हम पहचान सकते हैं। तो जैसे हम स्पीसीज को लिख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे पाइनस रॉक्स बॉर्गाई, पाइनस रॉक्स बॉर्गाई, इसमें ये कॉमन स्पीसीज है और ये 32-35 मीटर लंबी होती है। इनको हम अलग अलग हाइट इसकी जो 32-35 मीटर है और 3 नीडल्स पर इस पर इसमें पाई जाती है, यानी कि ये ट्राईफोलियर लीफ होती है। ट्राईफोलियर इस पर कहते हैं, इसको हम इसको चील पाइन भी कहते हैं, चील पाइन। ये पहला हो गया। दूसरी स्पीसीज जो है इसकी है वैली चियाना, पाइनस वैली चियाना, जिसे ब्लू पाइन कहते हैं, पाइनस वैली चियाना, जिसे हम ब्लू पाइन कहते हैं, वो चीड़ पाइन है और ये है ब्लू पाइन। इसके अंदर ये 50 मीटर का लगभग इसकी हाइट होती है और ये पेंटाफोलियर होती है, 5 नीडल्स पर इस पर, तो हम इसको पहचान सकते हैं ज्यादातर 5 नीडल्स हों इसके अंदर, 50 मीटर, 50 से 55 मीटर यदि ये पाया जा रहा है प्लांट, यानी इससे चीड़ पाइन से लंबा है, तो वो कौन सी स्पीसीज है, वेलिचियाना स्पीसीज है। तीसरा है पाइनस जिगैडियाना, जिसे हम चिलगोजा पाइन भी कहते हैं, चिलगोजा पाइन कहते हैं, और इसकी हाइट 11 से 20 मीटर होती है, ज्यादा लंबाई प्लांट नहीं होता है और ट्राईफोलियर होता है, 11 से 20 मीटर की हाइट और 3 नीडल्स पर इस पर, यानी ट्राईफोलियर, ठीक है। तो हम इनकी स्पीसीज को ऐसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा है मरकुसी स्पीसीज, पाइनस मरकुसी, इसे मरकिस पाइन, मरकुस पाइन कहते हैं, बंगाल में ज्यादातर पाया जाता है, ये मरकुस पाइन ज्यादातर बंगाल में पाया जाता है। ये सारे जो है कश्मीर, ये तीनों स्पीसीज कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड वाला एरिया, इनमें पाए जाते हैं। लेकिन ये जो मरकुसी स्पीसीज है पाइनस की, वो मरकुस पाइन जो है बंगाल में पाया जाता है और बिल्कुल छोटा पाया जाता है, 3-4 मीटर इसकी हाइट होती है और इसमें 2 नीडल पाई जाती है पर इस पर, 2 नीडल्स पर इस पर, ठीक है। तो ये चौथी स्पीसीज हो जाती है। और एक पांचवी स्पीसीज और है जिसे हम खासी पाइन कहते हैं, ये है इंसुलेरिस के अंदर, पांचवा है पाइनस इंसुलेरिस, जिसे खासी पाइन कहते हैं, और इसमें ये लगभग 30 मीटर हाइट का होता है और इसमें 3 नीडल पर इस पर पाई जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कहा कि ये स्पर है, एक स्पर जिसमें एक नीडल निकली हुई है तो हम मोनोफोलियर कहेंगे, 2 नीडल हैं तो इसे हम बाईफोलियर कहेंगे, ये बाईफोलियर हो गई, यदि इसमें से 3 नीडल निकली हुई है तो ये ट्राईफोलियर हो गई, और यदि इसमें से 5 निकली हुई है तो ये कैसी हो गई, पेंटाफोलियर, ये हो गई बाई, ये ट्राई और ये होगी पेंटा। तो
हमने इसको पढ़ा है आज पाइनस को, जिसमें पाइनस का स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है, रूट टैप रूट है, रूट हेयर्स नहीं ज्यादातर इसकी सीज में नहीं पाए जाते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इस पर एक्टोफिटिक माइकोराइजा जो है वो रूट हेयर्स का काम कर देती है कि इसके लिए जो है वो मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब इसके लिए कराती है। देन आता है स्टेम जो कि इरेक्ट होता है, बॉडी होता है, ब्रांचेज जो है वो इसकी दो तरह की होती है, डायमॉर्फिक यानी कि लिमिटेड ग्रोथ की जिन्हें हम ड्वार्फ शूट कहते हैं, और अनलिमिटेड ग्रोथ की जिन्हें हम क्या कहते हैं लॉन्ग शूट कहते हैं। ड्वार्फ शूट का नाम एक और भी है ब्रैकी ब्लास्ट। इन पर जो पत्तियां पाई जाती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, स्केली और फोलियोज। स्केली लीव जो कि ब्राउन कलर की हैं, जो कि फंक्शन नहीं करती हैं फोटोसिंथेसिस का, और जो फोलियोज लीव्स हैं वो ग्रीन होती हैं। एक लीफ निकलती है एक जगह से एक्सिस से, तो हम उसको कहते हैं मोनोफोलियर, दो है तो बाईफोलियर, तीन एक साथ निकलती हैं तो उसे कहते हैं ट्राईफोलियर, और चौथी है पेंटाफोलियर यदि एक इस पर पांच निडल पर इस पर होती हैं तो। इनकी संख्या के आधार पर ही और हाइट के आधार पर हम इनकी स्पीसीज को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे पाइनस रॉक्सबर्गाई जिसे इल पाइन कहते हैं, पाइनस वेलिजियाना जो जिसमें पांच निडल पाई जाती हैं, जिगार्डियाना जिसे हम चिलगोजा पाइन कहते हैं इसके अंदर तीन निडल पर इस पर पाई जाती हैं, छोटा प्लांट होता है, सबसे छोटा प्लांट होता है मर्कुस पाइन जो बंगाल में पाया जाता है, 3 to 4 meters हाइट होती है इसकी और इसमें 2 needles पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आज हमने इसके पाइनस के जनरल करेक्टर्स लिए हैं, और नेक्स्ट टर्न पे हम इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।